हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम होली स्पेशल गुजिया बनाएंगे और ये गुजिया मीठी तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो इस बार की होली पर आप जो भी स्नैक्स बनाते हैं या जो भी मिठाइयाँ बनाएंगे उन सब में स्पेशल ये ग्रीन गुजिया ही रहेगी, क्योंकि ये ग्रीन गुजिया न्यूट्रिशन से भी भरपूर है और आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस हेल्दी गुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पालक का एक छोटा बंच लिया है, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, साफ कर लिया था और उसके बाद मैंने उसे दो तीन बार साफ पानी से धो भी लिया है। गैस की फ्लेम को फुल पर रखते हुए कुकर के एक प्रेशर में मैंने पालक को बॉईल कर लिया है और ये देखिए इसके ठंडा हो जाने पर मैंने इसे बिना पानी के ग्राइंडर में निकाल लिया है और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए पालक की बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गई है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई नमक मसाला नहीं डाला है, ना ही पानी डाला है, बल्कि हमने सिर्फ पालक को ही पीसा है। तो अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ। अभी मैं इसमें से दो बड़े चम्मच यूज़ करूँगी। तो आइए अब सबसे पहले गुजिया का आटा बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैदे को आप एक बार छान लें और उसके बाद ही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ और अब इसमें ग्राइंड की हुई पालक की पेस्ट भी डाल देंगे। इस पिसी हुई पालक के डाल देने से हमारी गुजिया का बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर आ जाएगा और गुजिया दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक भी डाल देती हूँ और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर का भी डालेंगे। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच हम ऑयल के भी डालेंगे, इससे हमारी गुजिया में मोइन डल जाएगा और गुजिया का जो कवर है, जो उसका आटा बनेगा, वो बहुत खस्ता रहेगा। तो अब बिना पानी डाले इस आटे को हम गूंद लेंगे। अगर आपका आटा पतला हो जाता है तो आप इसमें मैदा और डाल सकते हैं और अगर सख्त हो जाता है तो इसमें पालक की प्यूरी आप वापस डाल लें, लेकिन पानी ना डालें। और ये देखिए मैंने जितना मेजरमेंट आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और बिल्कुल भी ना आटा सख्त हुआ है ना ही बहुत ही पतला हुआ है और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर देंगे, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। गुजिया में स्टफिंग डालने के लिए मैं यहाँ पर पनीर यूज़ कर रही हूँ। तो 3/4 कप मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ पनीर लिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर उबले हुए मटर ले रही हूँ। आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करके भी मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स के ले रही हूँ। 1/2 चम्मच ऑरिगेनो पाउडर का भी डालेंगे, इससे हमारी गुजिया में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हम फ्रेश पीसी हुई काली मिर्च भी डालेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू भी चॉप करके डाले हैं, जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप प्लीज़ उसको भी डाल लें। तो मैं सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। गुजिया के आटे को 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद ऐसे स्लैब के ऊपर अच्छे से उसे मसल लें। मैं उसे लंबाई में डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसके इक्वल पीसेस कर लेंगे। आपको गुजिया का जितना साइज रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसके पीसेस कर सकते हैं। तो जितने हम गुजिया के पीसेस कट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टफिंग है उसको भी हम बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। और ये देखिए मैं इसमें से एक पीस निकाल रही हूँ। तो इसे ऐसे हाथों में गोल घुमाते हुए हम रोटी के पेड़े की तरह शेप देंगे और पूरी की तरह इसे पतला बेल लेंगे। पालक को सुपर फूड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। पालक खाने से हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है, हेयर शाइन करते हैं और बोन्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं। तो एक तरह से हम ये गुजिया नहीं बल्कि सुपर गुजिया बना रहे हैं। ये लीजिए पूरी को बेलने के बाद उसके हाफ पोर्शन में हम स्टफिंग के 2 चम्मच रखेंगे, उसे हल्का सा स्प्रेड करेंगे और फिर इस स्टफिंग को हम कवर कर देंगे। मैं इसे उंगली से थोड़ा सा दबा रही हूँ, सारे किनारों को हम अच्छे से दबा देंगे और सिक्योर करने के लिए हम फोक की हेल्प से इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। और ये लीजिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, इस गुजिया को मैंने बना लिया है। सब तरफ से ये अच्छे से बंद भी हो चुकी है ताकि जब हम इसे डीप फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली है। होली के लिए अगर आप और भी कोई रेसिपी चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं वीडियो के स्क्रीन पर भी उसे शेयर कर दूंगी, तो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लें। तो अब गैस की फ्लेम को हाई पर रखते हुए मैंने ऑयल को तेज़ गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम कर दिया और फिर मैंने उसमें गुजिया डाली है। गैस की फ्लेम को लो से मीडियम पर रखते हुए इस गुजिया को हम धीरे धीरे तल लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई नहीं करें क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर इसमें खस्तापन नहीं आएगा। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें और ये देखिए गुजिया हमारी फ्राई हो रही है। तो अब ये दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये लीजिए दिखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही लाजवाब होली के लिए परफेक्ट रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए मैं आपको खोलकर भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रही है। आप इसे चटनी, सौंठ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।